उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के एक छोटे से किसान की बेटी इल्मा अफरोज की नियति में देश की सेवा करना ही लिखा था। अगस्त 2018 में प्रतिष्ठित भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस में शामिल होने वाली 26 वर्षीय इल्मा ने न्यूयॉर्क में आराम के जीवन को पीछे छोड़ दिया ताकि भारत की प्रगति में अपना योगदान दे सके। हालांकि आईपीएस बनने तक की उनकी यात्रा चुनौती और बाधाओं भरी रही। वह केवल 14 वर्ष की थी जब उनके पिता कैंसर के शिकार हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। आइए जानते हैं आईपीएस इमला अफरोज की संघर्षपूर्ण कहानी के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पर, जहां आपको मिलेंगी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, साथ ही डेली करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस भी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के वीडियो की। एक युवा बेटी और 12 साल के बेटे की देखभाल करने के लिए इल्मा की माँ ने बच्चों की परवरिश करने का बीड़ा उठाया। इल्मा बताती है कि मेरी माँ ने मेरे छोटे भाई और मुझे बहुत संघर्ष करते हुए पाला है। वह बहुत मजबूत महिला है। जहाँ लड़की के दहेज के लिए बचत करना और जल्द ही शादी कर देना प्रचलन है, वहीं उन्होंने मुझे अपनी क्षमता पूरे करने का मौका दिया। इल्मा की माँ खेती करती थी और उन्हीं पैसों से परिवार का पालन करती थी। इल्मा बताती है कि उनके आसपास रहने वाले बच्चे जहाँ IIT और MBBS की कोचिंग लेने जाते थे, वहीं इल्मा मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई किया करती थी। अपने गृहनगर में हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद इल्मा ने दिल्ली के प्रसिद्ध सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दाखिला लिया और फिलॉसफी में ग्रेजुएशन किया। इल्मा कहती है कि सेंट स्टीफेंस में मैंने फिलॉसफी का अध्ययन करने में जो 3 साल बिताए, वो मेरे जीवन के अब तक के सबसे अच्छे वर्ष थे। विषय को ऐसे वातावरण में सीखना जहाँ प्रोफेसर्स छात्रों के साथ निकटता से जुड़ सकते हैं, इससे मुझे महत्वपूर्ण पाठों में मदद मिली। हमने कक्षा के बाहर भी बहुत कुछ सीखा। फिलॉसफी एक व्यक्ति को अपने दम पर सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। इल्मा की कड़ी मेहनत और समर्पण ने उन्हें विश्व परिषद ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भाग लेने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की। हालांकि उन्हें पढ़ाई और रहने का खर्चा स्कॉलरशिप में ही मिलने वाला था, लेकिन उनके पास हवाई यात्रा के लिए भी पैसे नहीं थे। वहाँ मदद मांगने के लिए गाँव के चौधरी दादा के पास पहुँची। उन्हें अपनी विलायत जाने के बारे में बताया। वह देख रही थी कि कैसे उनके दादा खेतों में पसीना बहाकर कड़ी धूप में फसल की कटाई कर रहे थे। कई साल बीतने के बावजूद इल्मा कभी अपने दादा की उस अवस्था को नहीं भूल पाई। यूनाइटेड किंगडम में अपने समय के बाद उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में अपना रास्ता बनाया, जहां उन्होंने एक स्वैच्छिक सेवा कार्यक्रम में भाग लिया। हालांकि वह इस सब से संतुष्ट नहीं थी। इल्मा कहती है कि जब हर दिन मैं अपने कमरे में लौटती थी तो मैं घर के लिए तरस जाती थी, अम्मी के लिए और उनकी मुस्कुराहट के लिए। मैं अपनी कमरे की खिड़की से बाहर न्यूयॉर्क स्काईलाइट को देखती थी और माचिस की तिल्ली जैसी पीली टैक्सियों को देखती थी, जो अमेरिकी सपने से जुड़ी एक सर्वव्यापी छवि है। लेकिन एक ही सवाल मेरे में था कि क्या मेरे पढ़ने लिखने का सपना केवल अमेरिका आने के लिए था? क्या मेरे यहाँ आने से मेरे गांव के लोगों के जीवन में कोई सुधार आ रहा है? गांधी जी के हर आंख से हर आंसू पोंछने के सपने से प्रेरित होकर इल्मा ने यह महसूस किया कि राष्ट्र को उनकी शिक्षा का लाभ मिलना चाहिए और गांधी जी के सपने को पूरा करने के लिए वह अपना थोड़ा सा प्रयास करना चाहती हैं। जब भी इल्मा छुट्टियों के लिए घर लौटती थी, वह देखती थी कि लोगों की आंखें खुशी आशा की चमक है, या सोच कर कि हमारी बेटी हमारे दर्द को दूर कर देगी। रिश्तेदारों और परिचितों ने उसे राशन कार्ड प्राप्त कराने, फॉर्म भरने या मोतियाबिंद सर्जरी के लिए किसी को लाने जैसे सरल चीजों की तलाश की। इल्मा कहती है कि मैं हमेशा जानती थी कि मेरी खुशी भारत में अम्मी और मेरे आसपास के सभी लोगों के साथ वापस घर में है। जब उन्हें इन सभी बातों का एहसास हुआ तो उन्होंने UPSC की सिविल सेवा परीक्षा पास कर लोगों की भलाई के लिए काम करने का निर्णय लिया और वह घर लौट आई। इल्मा ने साल 2017 में UPSC की सिविल सेवा परीक्षा में 217वीं रैंक हासिल की, जिसके बाद उन्हें हिमाचल प्रदेश कैडर में IPS नियुक्त किया गया। इल्मा इस बात का उदाहरण है कि इच्छा शक्ति से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। जहां ज्यादातर युवा सुख सुविधा का जीवन चुनते हैं, वहीं इल्मा अफरोज ने देश की सेवा के लिए एक अच्छी नौकरी को छोड़ दिया। वह देश के हर युवा के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है
तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। हमारी लेटेस्ट वीडियो और अपडेट सबसे जल्दी आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अपनी पढ़ाई को और बेहतर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम लिंक की मदद से हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्ट पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों की एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 ई सैंपल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।